अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोबोस किचन एंड लाइफस्टाइल। अच्छा, आज एक मीठा लेकर आई हूँ। मैंने कहा बड़े नमकीन हो गए ईद के, तो उसके साथ एक मीठा भी बड़ी ज़रूरत है। तो गुलाब जामुन लेकर आई हूँ। बड़े मज़े की रेसिपी है, बड़ी सिंपल सी, बड़ी परफेक्ट रेसिपी है मेरी ये। एक कप मैंने खुशक दूध ले लिया, ड्राई मिल्क पाउडर हम यूज़ करेंगे। मैंने नीडो लिया है, आप कोई सा भी यूज़ कर लें। उसके साथ ये एक चम्मच मैं मैदा डाल रही हूँ, एक टेबलस्पून। ये दो टेबलस्पून है सूजी, जिसको मैंने दो टेबलस्पून पानी में सोख करके रख दिया था सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो ये सोक्ड सूजी सेमोलिना हमने लेनी है, ये उसमें हमने डाल दी। ये हो गया। उसके साथ जी ये मेरा दो टेबलस्पून घी है, ये बीच में डाल देंगे। एक दो ड्रॉप्स मैंने रख ली हैं, जो कि अपने हाथों को ग्रीस करने के लिए जब बॉल्स बनाएंगे या कभी। वैसे तो ये ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती, पर मैंने वैसे भी रख लिया। तो ये एक टीस्पून जा रहा है बीच में बेकिंग पाउडर। इन सब के अच्छे से क्रम्स बना लें। और इसको मिक्सिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वार्म मिल्क, मैंने लिया 5 टेबलस्पून। ये मैंने मैयर करके रखा हुआ था 5 टेबलस्पून मिल्क, उसको अच्छे से यूज़ करेंगे। पहले मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद साफ़ हाथों से इसको सॉफ्टली नीट करना शुरू करेंगे, गूंदना शुरू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत आराम से सिंपल आपको बता रही हूँ, ताकि बिल्कुल इसमें ये बिल्कुल क्या कहते हैं फॉल्ट फ्री ये रेसिपी है। बहुत मज़े की, ख़ुद से मैंने ये यूज़ की। मैंने 2-3 रेसिपीज़ ट्राई करके और उसमें से मेरी ये परफेक्ट रेसिपी है ये वाली, तो मैं इसी को ही अब फॉलो करती हूँ जब से मैंने ये यूज़ की है। अब इस वक्त पे मैंने वो जो थोड़ा सा 1/2 टीस्पून बचाया था घी और दूध, वो मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ कि कुछ भी हमारा ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा 1 टेबलस्पून हर चीज़ बचा लेनी चाहिए। जैसे मिल्क बचा लिया और मैंने 1/2 टीस्पून घी बचा लिया था इसको गूंदने के लिए। इसको अब मैं गूंद रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो हमारा मिक्सचर है ये सारे बाउल को छोड़ दे, उसका बॉटम को छोड़ दे बिल्कुल, तब ये परफेक्ट हो जाएगा। और उसको अच्छा सा हम गूंद लेंगे, अच्छा सा सॉफ्टली, और बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट डो बन जाएगी, नॉर्मल सी, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है ये नॉर्मल है। उसको जब रखेंगे तो ये मज़ीद ये हार्ड होगी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है। इसको 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए इसको छोड़ना ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मेरे हाथों को मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ये हाथों का नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारी परफेक्ट डो रेडी है। इसको और मैंने ये पूरे 10 मिनट मैंने इसको नीट किया था, मैंने सिर्फ स्पीड बढ़ाई है ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। मैंने 10 मिनट इसको गूंदा था और उसके बाद इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इतनी देर मैं आपको शीरा बनाने का बता रही हूँ। 2 कप मैंने पानी ले लिया, एक से ज़्यादा मैंने 1.5 कप मैंने तकरीबन लिया था ये चीनी, और 3 इलायचियाँ ये डालकर मैंने इसको अच्छा पकने देना है। इसमें हमने तार नहीं बनानी है, सिर्फ इसको हमने मिक्स करना है और 5 से 10 मिनट तक इसको बॉईल करना है बस। तार बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, शीरे की तार बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। चलें जी, इसको हो गया था 15 से 20 मिनट हो गए थे, तो मैंने कहा आपको मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाना दिखा दूँ कि ये जी इतने साइज़ की मैंने बॉल बनाई, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी, क्योंकि जब ये फ्राई होगी तब भी ये राइज होएगी साइज़ में, और जब हम इसको शीरे में पकाएंगे तब भी ये डबल हो जाएगी साइज़ में। इसलिए बहुत बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस वक्त पे बिल्कुल छोटे नॉर्मल साइज़ के बनाएं तो आपके गुलाब जामुन अच्छे गोल, जो बड़े साइज़ का गुलाब जामुन मिलता है बाज़ार में, ये उतना बनेगा। ये बॉल्स बनाना शुरू कर दिए। इस वक्त पे भी मुझे ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कि मैंने हैंड जो है ग्रीस नहीं किए थे। बहुत परफेक्ट डो थी, बहुत आराम से, बिल्कुल टूट नहीं रही थी, कोई क्रम्स नहीं बन रहे थे इसके, बिल्कुल परफेक्ट इसके बॉल्स रेडी हो रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से ये बॉल्स बने, और कुछ भी इनको करने की ज़रूरत नहीं है, बस साइज़ में एक जैसे कर रही थी कि कोई भी 19-20 ना हो जाए और कोई बड़ा कोई छोटा ना बन जाए, बस इसको नॉर्मल हमने बनाते जाना है। इससे 1 कप के इस सारे मिक्सचर से 12 जो गुलाब जामुन है, अच्छे बड़े साइज़ के 12 गुलाब जामुन रेडी हो जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, आपने जिस तरह भी आपके मेहमान आ रहे हो या आपकी जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसको 1.5 या 2 कप्स कर सकते हैं, और उसी तरह सारी सेमोलिना और मैदा वगैरह आप डबल क्वांटिटी कर दें। ये देखिए जी, अभी ये पूरे 12 रेडी हो गए थे,
और इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे, मैंने हर साइड को तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम देकर इनको फ्राई किया था, क्योंकि हमने अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर करना है, इसको ना जलाना है और ना हमने बिल्कुल पीला पीला निकालना है, अंदर तक पकना बहुत ज़रूरी है। बाज़ुकात ये होता है बाहर से ब्राउन हो जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, एक छोटी सी जो गोली रह जाती है दरमियान में बिल्कुल, तो वो खाते हुए अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको 10 मिनट हर साइड को मैंने दिया था। ये देखिए जी, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इसकी मैंने कोई शीरे की तार रेडी नहीं की, मैंने सिंपल शीरा रेडी किया है जो सॉफ्ट सा नरम पानी वाला, बिल्कुल ये कि जैसे चीनी पकाई है, मैंने इसको 10 मिनट पकाया है बस, और कोई मैंने हाफ़ क्वांटिटी नहीं की थी। अच्छा, इसको मैंने देखा कि बिल्कुल लो फ्लेम पर, मैंने जो बिल्कुल आपको फ्लेम नज़र नहीं आ रही होगी, मैंने उसको रखना शुरू किया और उसकी हर साइड पर मैंने ऑयल डालना शुरू कर दिया कि इक्वली ये ऊपर नीचे हर जगह से ये पक जाए और सेंटर तक उसकी हीट इक्वली इसको पहुँच जाए, ये ना हो कि दरमियान में एक छोटा सा बॉल जो कच्चा रह जाता है, जो हार्ड रह जाता है, वो ना हो हमारा। ये देखें जी, मुसलसल हिलाई जा रही हूँ, मुसलसल उन बॉल्स को मैं राउंड शेप में घुमाई जा रही हूँ ताकि हर तरफ से ये गोल्डन ब्राउन जो कलर, अच्छा डार्क ब्राउन कलर जो हमारा डीपली गोल्डन कलर आता है, वो हर तरफ से आ जाए। ये देखें, परफेक्ट कलर आ रहा था और इतनी लो मीडियम हीट थी, बस इस वक्त पे सब्र का मुजाहरा करना है और बहुत पेशेंटली इनको फ्राई करना है। अगर डीप फ्राई कर लेंगे तो वो ये होगा कि हाँ, जल्दी वो गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं और दरमियान में बॉल ज़रूरी रह जाता है, जो हार्ड सा बॉल रहता है, इसलिए मैंने सिंपल मैं फ्राइंग पैन में ही यूज़ करती हूँ। यह जब 10 मिनट के बाद मैंने, तक 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इनको निकाला था, ये बाकी मेरे 3 रह गए थे, वो मैंने इनको करना शुरू कर दिया। चलो, ये मैं इसलिए प्रेस करके दिखा रही हूँ कि अंदर तक ये सॉफ्ट थे, कोई सेंटर में मुझे बॉल या कोई हार्ड सी चीज़ फील नहीं हो रही थी। मैं इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ कि बेकिंग पाउडर से ये अच्छे राइज भी होंगे, फूलेंगे और सॉफ्ट भी होंगे। शीरे में डाल दिया, शीरे में डाल के मैं इसको उसी तरह दम वाली आग पर मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ ताकि ये शीरा अंदर तक एब्जॉर्ब कर लें और ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे बॉयलिंग शुरू हुई थी मैंने आग बंद करके इनको फिर मज़ीद 10 मिनट मैंने रेस्ट दिया था। चलें जी, ये मज़ेदार से गुलाब जामुन रेडी हो गए, आप भी बनाएँ, आप भी खाएँ, अपने औसत खाएँ। लिव लव ईट वेल, इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।